वेलकम बहुत ही, ही मजेदार किस्म के देसी चिकन शोरबे की रेसिपी शेयर करूंगी वो भी पंजाबी स्टाइल में अब अक्सर बहुत से लोगों को देसी चिकन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मगर ये जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है दूसरा बहुत ही कम मिसाले डाले हैं जिसकी वजह से आप यकीन करें इसका जो जायका था वो बहुत ही लाजवाब बना था बस आप पूरी वीडियो देखिए और इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा दूसरा अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें तो फिर चले टाइम जाया नहीं करते हैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो अब इस रेसिपी को मैं पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने ली है एक मिट्टी की हांडी साथ में हम शामिल करेंगे दो बड़े चम्मच भर के देसी घी के अगर हम देसी चिकन को देसी घी में बनाएंगे तो यकीन उसका जो जायका होगा वो लाजवाब होगा अगर आपके पास देसी घी ना हो तो कोई मसला नहीं आप नॉर्मल घी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ही घी गर्म होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने स्लाइस में कट किया है मिक्स करेंगे और इसका हल्का सा सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे यहां पर हमने इसका ज्यादा मतलब न डार्क ब्राउन कलर नहीं करना बस हल्का सा इसे फ्राई करना है जब इसके किनारे हल्के से सुनहरे हो जाएंगे तो अगले स्टेप की तरफ जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज हल्के से गोल्डन हो चुके हैं इसके जो किनारे हैं ना आप देख सकते हो ब्राउन हो गए हैं तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से खड़े मिसाले जिसमें है एक दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी इलायची है थोड़ी सी काली मिर्चे है और तीन लौंग है बस इतने ही हमने मिसाले डालने हैं इससे ज्यादा नहीं शामिल करने हल्का से इन्हें मिक्स करेंगे और इसके बाद हम शामिल करेंगे वन टेबल स्पून के लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे इसको भी चंद सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है जब तक इसकी खुशबू नहीं आती है तो अभी अलहमदिल्ला ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है अब इसकी खुशबू भी आ रही है तो अब इसमें शामिल करेंगे चिकन यहाँ पर मैंने एक होल चिकन लिया था जिसको साफ करने के बाद इसका वजन ना तकरीबन सवा किलो होगा अब इसे मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पे इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन सात से आठ मिनट के लिए जितना अच्छी तरह से अब हम ना इस पॉइंट पे चिकन को भूनेंगे आप यकीन करें इसका जायका उतना ही अच्छा आएगा दूसरा अगर इस पॉइंट पे चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो गई ना तो जब हम गोश्त को गलाएंगे तो ये जो इसकी बोटियां है ना वो टूटेंगी नहीं तो इसलिए आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जरूर जरूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसका जायका बहुत ही जबरदस्त बहुत ही लाजवाब बनता है शहरी में से लोग खाना बहुत पसंद करते हैं अगर आपके पास शहरी में दो तीन और भी डिशेज होंगी ना तो यकीन करें आपका हाथ इसी डिश की तरफ जाएगा क्योंकि इसकी एक तो खुशबू दूसरा इसका जायका बहुत ही जबरदस्त होता है तो खैर अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन की बुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है आप देख सकते हैं ना इसके ऊपर कितना जबरदस्त ब्राउन सा कलर आ गया है इसी तरह से आपने भी इसे भूनना है अगर हम इस तरह से इसे भूनेंगे तो आप यकीन करें इसका जायका बहुत ही अमेजिंग बहुत ही जबरदस्त होगा तो अब अलहमदिल्ला ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें हम शामिल करेंगे वन टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट अगर आप हरी मिर्चें ज्यादा खाना पसंद मतलब नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं मगर थोड़ी सी डाल लेंगे ना तो आप यकीन करें कि जो सौंधी सौंधी सी खुशबू एक होती है ना वो बहुत ही जबरदस्त इसमें लगेगी तो आप इसे डालने के बाद मिक्स करेंगे तकरीबन एक मिनट के लिए हमने इन मिर्चों को पकाना है ताकि एक दफा ना घी के अंदर इनका जायका आ जाए उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे तो अभी अलहमद मिर्ची भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं तो आप इसमें कुछ मिसाले डालते हैं जिसमें वन टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून नमक है हाफ टेबल स्पून है धनिया पाउडर साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे आप मिसालों की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए अब इससे ज्यादा हमने मिसाले और नहीं डालने हैं आपने देखा है ना बहुत ही कम मिसाले मैंने शामिल किए हैं इसके बावजूद आप यकीन करें इसका जायका बहुत ही जबरदस्त होगा रेसिपी को आपने इसी तरह से एक दफा घर पे जरूर ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक भी जरूर देना है तो साथ में न बुनाई के दौरान हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि मिसाले जले नहीं अच्छी तरह से हमने मिसालों को भूनना है जितनी अच्छी तरह से यहां पर भुनाई होगी यकीन इसका जायका उतना ही बढ़ेगा तो अभी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिसालों की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है आप इसकी लुक से ये आइडिया लगा सकते हो कि बुनाई अब अच्छी तरह हो चुकी है इसी तरह से हमने इन्हें भुनना है तो खैर आप भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर जहां पर मैंने तीन मीडियम साइज के लिए थे जिनका पेस्ट बना के डाला है अब हम देसी चिकन शोरबा बना रहे हैं तो इसलिए हमने टमाटर का ना मतलब पेस्ट बना के डालना है क्योंकि शोरबा है तो शोरबे के अंदर अगर इसके चंग जाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी मतलब ना अच्छे नहीं लगेंगे खाने में तो इसलिए आप इनका पेस्ट बना के डालिएगा अब टमाटरों की भी हमने भुनाई करनी है तीन से चार मिनट के लिए आप यकीन करें अगर शोरबे वाले सालन में ना टमाटर की भुनाई अच्छी तरह से ना हो तो बिल्कुल भी उस सालन का अच्छा जायका नहीं होता है इसलिए आपने टमाटर डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से भून लेना है अभी जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ना लुक से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि भुनाई अब अच्छी तरह से टमाटर की भी हो चुकी है इसी तरह से हमने इसे भी भूनना है यही वो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें आपका सालन बहुत ही मजे का बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनेगा इसी तरह से आप रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा तो खैर भुनाई अच्छी तरह से करने के बाद अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे तकरीबन एक से दो लीटर खुला पानी हमने डालना है क्योंकि आपको पता है देसी चिकन है इसे गलने में ज्यादा टाइम लगता है तो आपने खुला पानी डाल के इसको कवर कर देना है मीडियम आंच रखनी है और तकरीबन एक से डेढ़ घंटे के लिए इसे भूल जाना है क्योंकि देसी चिकन है इसको इतना गलने में टाइम लगेगा अगर आप कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको ना दस से पंद्रह मिनट ही लगे और इतनी देर में ये गल जाए मगर हम इसे मिट्टी की हांडी में पकाएंगे ना तो आप यकीन करें जो मिट्टी की हांडी का एक सौंदर सौंदर सा फ्लेवर होता है ना वो भी इसके अंदर ऐड होगा तो इसकी वजह से इसका जायका और मजीद बढ़ेगा तो खैर अभी अलहमदल्ला मैंने इसका कवर हटा लिया है तकरीबन सवा घंटा लगा है और माशाल्लाह से हमारा चिकन अच्छी तरह गल चुका है वैसे तो मैंने इसे पहले भी चेक कर लिया है मगर एक दफा आपके सामने भी चेक कर लेती हूं ताकि आपको आइडिया हो कि हमारा चिकन कैसा गला हुआ है तो अभी आप देखिए अलहमदल्ला बहुत ही अच्छी तरह से हमारा चिकन गल चुका है अब अक्सर लोग कहते हैं कि देसी चिकन गलता नहीं है भाई क्यों आप अपना ना प्रॉपर टाइम इसे दें तो क्यों नहीं गलेगा तो अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा देसी चिकन बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुका है इसके अंदर ये जो शोरबा है हम इसी तरह से इसे रखेंगे क्योंकि इसी के अंदर तो सारा फ्लेवर है ना तो लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे वन टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर और साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अलावा आपने अदरक या हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है इसी के साथ ये रहेगा आप यकीन करें माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार हमारा देसी चिकन शोरबा बना था जरूर जरूर आपने इसी रेसिपी को ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक भी जरूर देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है इंशाल्लाह आपको इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त बहुत ही लाजवाब लगेगा तो खैर अभी मैं इसे सर्विंग प्लेट में भी निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी फिर आपको सही से आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये रेसिपी कैसी बनी है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें तो अलहदुल्ला आप देखिए माशाला से इसकी फाइनल लुक कितना जबरदस्त हमारा देसी चिकन शौरबा बना है अब आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है तो आज के लिए बस इतना ही था इंशाल्लाह फिर एक किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें खुश रहें आबाद रहें और आप सभी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो अल्लाह हम सबको दुनिया और आखरत की तमाम जायज नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे आमीन सुम्मा आमीन थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज